अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज उनिसवा रोजा हो गया, फाइनली आज उनिसवा रोजा हो गया। अच्छा, रोजा जाने से कितने इंसान खुश होते होंगे और कितने इंसान को बहुत ज्यादा दुख भी होता होगा। जैसे मैं सोचती हूँ कि ये मैंने जैसे सुना है कि ये रमजान का जो महीना है बहुत ही पाक महीना है, बहुत ही मतलब बरकत का महीना है। इंसान जो 11 महीना जो अपना गुनाह करता है वो अल्लाह ताला ने हमें ये एक महीना दिए हैं ताकि हम अपने जो गुनाह जो है वो कम करा सकते हैं। इसे भी इंसान से हर रोज़ हर वक्त हर पल अनजाने या अनजाने में से भी गुनाह कुछ ना कुछ होते ही रहता है जो हम लोगों को खुद भी पता नहीं रहता है, और बहुत इंसान जानबूझ के भी गुनाह करता है। सॉरी। तो ये एक महीना जो है हम लोग को मिलता है, खुदा ने हम लोग को बख्शा है अपने गुनाहों को कम कराने के लिए। तो ये जो इसीलिए मुझे मतलब ये थोड़ा सा तकलीफ भी होता है कि अरे मेरे हाथ में जो था एक महीना उसमें से 19 दिन चला गया, पता नहीं 19 दिन में मेरे गुनाह कुछ कम हुए भी या नहीं भी। या जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, तो मैं दुआ मांगती रहती हूँ, और मैं क्या और भी बहुत सारे इंसान होंगे मेरी तरह जो अपने गुनाह की माफ़ी जो मांगते होंगे ऊपर वाले से। तो इसी तरह से जो मतलब और तकरीबन धरिए और 10 से 11 दिन हमारे हाथों में है, तो इसी तरह वो भी चले जाएंगे, पता नहीं हम लोग का क्या होगा। तो यही सोच के मैं जो है थोड़ा अपसेट भी हो जाती हूँ। लेकिन रमजान का महीना है, पाक महीना है, तो बहुत रौनक भी रहता है, चारों तरफ बहुत हरियाली रहती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक महीना कभी भी नया गुजरे तो बहुत अच्छा भी लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरह मतलब मैं थोड़ा अच्छा भी सोचती हूँ, थोड़ा बुरा भी सोचती हूँ, दोनों ही टाइप में सोचती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं जो है अफ्तारी बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं आज मुझे खाऊँगी नहीं कि ये छोले की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, आलू का चौप है, ये है वो है। आज मैं कुछ अलग हट के बनाने वाली हूँ। वो सब्ज़ी कुछ नहीं है, मतलब कि वेजिटेबल नहीं है कुछ भी। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो मैं आज आप लोगों को दिखलाऊंगी किस तरह से मैं बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। तो रमजान का महीना है, आप भी चाहे तो अपने घरों में बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत बार ये बनाया है, मतलब मुझे याद नहीं मैंने अपने वीडियो में ये दिखलाया है कि नहीं दिखलाया, मुझे याद नहीं है। और तो इसलिए मैंने आज जो मैंने सोचा कि चलो इसको डिटेल से मैं आज अच्छा से आप लोगों को दिखला दूँ कि मैं किस तरह से ये सब बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आज के वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ गोट हेड भुना रेसिपी। तो उसके लिए क्या करने होगा कि इसमें से बहुत से ऐसा चीज़ है जिसको अलग करने पड़ता है, जैसे कि काला काले में यहाँ पर दिखला रही हूँ आपको, उसका जो चमड़ा थोड़ा बहुत रहता है, काला काला दाग रहता है, और भी बहुत ऐसा चीज़ है, उसको अलग से जो है गर्म पानी में खौला हुआ पानी जो है उसमें डुबो कर रखने पड़ता है। मैंने यहाँ पर दिखलाया आप लोगों को, देखिए। और उसके बाद उसको जब हल्का मतलब जब वह थोड़ा ठंडा हो जाता है तब उसको छुरी या किसी धार वाली चीज़ से उसको साफ़ कर लिया जाता है। तो मैंने यहीं पर दिखला दिया आपको किस तरह साफ़ किया जाता है। उसके बाद फिर से उसे अच्छी तरीक़ा से जो है वॉश किया जाता है। तो वॉश करने के बाद ही जो है आप उसको पकाइए। तो यहाँ पर मैंने 3-4-5 पानी से जो मैंने वॉश कर लिया है, तो उसके बाद इसमें जो है ना थोड़ा प्याज जो है वो थोड़ा बेसी करके दीजिएगा, मतलब कुछ ज़्यादा करके दीजिएगा। यहाँ पर 2 बड़े प्याज मैंने लिए थे, वहाँ पर प्याज मैंने लाल किया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 3 चम्मच लिया था मैंने, बड़े चम्मच का, और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच जो है मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, और नमक जो है अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने पानी दिया था और उसको थोड़ा सा मैंने चला दिया था, चलाकर जो, और हाँ कच्चा प्याज भी आपको जो ऊपर से देना पड़ेगा। देगर मसाला जो है मैं गरम मसाला मैंने अभी ही दे दिया था, दे के एक बार ही मैंने सब बैठा दिया था उसमें। जो हो चुका है कंप्लीट, तभी अभी भी सहरी का जो है मैं रोटी मैंने नहीं बनाया है, और मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर फल वगैरह जो है काट के एकदम पूरा रेडी कर दिए हैं, और उनके जो दोस्त हैं वो भी आ चुके हैं, तो वो लोग बाहर रूम में बैठे हुए हैं, और हम लोग जो है यहाँ पर अभी रोजा खोलेंगे। ये रूम मैंने खाली कर दिया है, अभी मैं 10 दस्तखान बिछा के सब यहाँ पर रेडी करूँगी। मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने अफ्तार भी कर लिया है, और मैंने चाय भी बना के पी लिया, और मंदिर का जो है वो नमाज भी अदा कर ली। तो मेरा आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।